नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भूल गया राजा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू कर रहे हैं। ये देख, ओह देखेगा कैसे, मैं तो छिप करके बैठा हूँ, फिर भी मैं मन ही मन में जोर जोर से बोलूँगा। वैसे तो मेरा यहाँ जोर से बोलना बनता नहीं है, मगर मैं इसे जोर जोर से नहीं बोलूँगा तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। यह है वैध विषाणु द्वारा बनाए गए विषाणु काढ़े का टीका। इसको जैसे ही मैं इस वृक्ष में डालूँगा, यह वृक्ष से वृक्ष पशु में बदल जाएगा और तुझे पल भर में चीर फाड़ करके रख देगा। ओ, मैं तो जासूस हूँ। इतनी जोर से मन में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पाठकों के भी कान होते हैं। किसी ने सुना तो नहीं बे? चलो, सुना भी हो तो मेरा क्या उखाड़ दोगे, कॉमिक्स में घुसोगे क्या? ये डाला मैंने विषाणु काढ़े का टीका। भाकेलाल, हमने चट्टान उठा ली, अब क्या करें? अब इस चट्टान को उठाकर इस क्षेत्र के 4 चक्कर लगाने हैं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। हैं सटाक हैं, ये क्या कर रहे हो बाकेलाल? हमें दर्द हो रहा है और सांस भी फूल रही है। मर्द को दर्द नहीं होता महाराज, ये आपकी परीक्षा है। भले ही दम फूल फूल कर फट जाए, पर आपको चक्कर पूरा करने हैं। आज तो मोटे को दौड़ा दौड़ा कर इसका दम निकाल दूंगा। ये क्या बला है? रुक जा, मेरे शिकार भागता कहाँ है? तुझे कुश्ती सीखनी थी ना? आ जा, तेरी ये आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ये क्या हो रहा है बाकेलाल? ये आपको कुश्ती की चुनौती दे रहा है महाराज। इस पर चट्टान उछाल कर इसकी चुनौती का उत्तर दीजिए। अभी लो धाड़। अब क्या करना है? उसके सामने जाइए और दोनों मुट्ठी बांध कर खड़े हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, मुट्ठी मत खोलना। ठीक है बाकेलाल? कितना भला मानस है बाकेलाल, हमारी याददाश्त लौटाने की कितनी जो जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हमें भी हर मोड़ पर उसका पूरा साथ देना चाहिए। अब जैसे जैसे बाकेलाल कहेगा, वैसा वैसा ही मैं करूँगा। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे चट्टान मारी, ये ले चख मजा। वृक्ष पशु ने विक्रम सिंह की खोपड़ी पर घूसा जड़ दिया, धम, और उसे उठाकर सिर के बल पटकना शुरू कर दिया, भटाक। उसके हर वार से विक्रम सिंह का मस्तिष्क हिचकोले खाने लगा, भाड़ हिया, आकी माँ का हीरो नीता, सायोनारा चीका पीका। तेरी ये मजाल दुष्ट वृक्ष, महावीर विक्रम को मल्लयुद्ध की चुनौती देता है। हैं, ये मोटे को कैसा दौरा उठा? तुझे तो बेटा हम ऐसी धोबी पाट मारेंगे कि तेरी 7 पुश्तें भी सीधे नहीं चल पाएंगी। अगर इसके बाद तू उठ खड़ा हुआ तो विक्रम हमारा नाम नहीं। टूट गई योजना की टांग, मोटे को सब याद आ गया। बांकेलाल महाराज, वो मैं, इससे पहले कि किसी का ध्यान मुझ पर जाए, चुपचाप यहां से खिसक लूं। हाय, सारी हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। उफ, दम निकाल दिया मोटे ने। मोटे बेहोश है, इसकी गर्दन दबाकर इसका दम निकाल देता हूँ। मगर इससे पहले कि बाकी कुछ कर पाता, विक्रम सिंह ने आंखें खोल दी। होश में आइए महाराज, आप अपने बाकेलाल को छोड़कर नहीं जा सकते। बाकेलाल, कुछ मत कहिए महाराज, मैं आपको सब समझा दूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया, वो तो हमें पता है। मगर मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। ये भी हमें पता है, मगर शंकर भगवान ने मुझे सपने में आकर पहले ही बता दिया था कि ये हमें पता नहीं था। मगर हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हमने कुश्ती सीख ली। कुश्ती? मतलब आप कुश्ती के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मतलब कि आपके दिमाग की बत्ती फिर गुल हो गई। दिमाग की बत्ती? वो क्या होती है? मतलब आपकी स्मृति वापस नहीं लौटी? ये स्मृति कौन है और कहाँ से वापस लौटने वाली है? ओ महाराज, दिल का बोझ हल्का कर दिया आपने तो। इसी बात पर एक पुच्ची। अरे, ये क्या कर रहे हो?
ये अपनी खुशी का इजहार करने का तरीका है महाराज। जब हम बहुत खुश होते हैं तो ऐसे ही सामने वाले की पुच्ची लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो हम भी तुम्हारी पुच्ची लेंगे। नहीं, छोड़ मुझे, उफ़ ये बदबूदार पुच्ची, फिर से नहीं। वाह, मज़ा आ गया, ऐसा आनंद हमें पहले कभी नहीं मिला। अब से जब भी हमें प्रसन्नता की अधिकता महसूस होगी, हम इसी प्रकार तुम्हारी पुच्ची लेंगे। अब बताओ, आगे और क्या सीखना है? एक अल्प विराम के बाद बताऊंगा महाराज, उससे पहले चक्राते सिर को काबू में करना होगा। अपराह्न के भोजन का समय हो गया है, परंतु तुम लोगों की सब्जी अब तक नहीं चढ़ी। पता है ना, अगर सालों को समय पर भोजन नहीं मिला तो क्या समस्या उठ खड़ी होगी? वो जब होगी तब होगी खानपान मंत्री जी, पर फिलहाल तो सब्जी की समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मतलब? रसोई की सारी सब्जियां गायब हो गई है। 505 लोगों के भोजन की सब्जियां गायब हो गई? खानपान मंत्री जी, कल रात तक सब्जियां रखी थी और सुबह सारी सब्जियां नदारद, फिर मंडी भेजकर 8 बैलगाड़ियों में सब्जियां मंगवाई, मगर जब भोजन बनाने के लिए सब्जी के बोरे खोले तो सभी बोरे खाली निकले। हैं, ये क्या भूतियापा है? कोई मनो सब्जी कैसे गायब कर सकता है, वो भी बिना किसी की नज़र में आए? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये काम तो यदाकदा आप ही करवाते हैं जब आपके गाँव में किसी रिश्तेदार के घर शादी होती है। चुप कम्बक, ये कोई ढिंढोरा पीटने वाली बात है क्या? ये बता कि अब क्या करना है? इतने कम समय में अब दाल चावल ही बन सकते हैं। बाकेलाल जी तो महाराज की तोंद के आकार का कटहल लाए थे, वो अब तक भंडार गृह में रखा है, उसका क्या करना है? हैं, जो भी मनोभारी सब्जी के बोरे गायब कर रहा है उससे वो कटहल कैसे छूट गया? जैसे भी छूट गया, तुम फिलहाल उस कटहल की सब्जी बनाकर सातों सालों को पेल दो, बाकी लोग दाल चावल खाकर गुजारा कर लेंगे। अल्प विराम समाप्त हुआ महाराज, और अब समाप्त होने की बारी आपकी है। मेरा मतलब, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। हम अगले कार्य सीखने के लिए आतुर हो रहे हैं। आपकी सारी आतुरता आपकी जान के साथ निकल जाएगी। मेरा मतलब है, जल्दी आप जान जाओगे कि अगला कार्य क्या है। मैं भी अपनी मरहम पट्टी करके वापस आ गया हूँ। एक सच्चे गुप्तचर की यही पहचान है, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, जो कार्य दिया गया है वो हर हाल में पूरा होना चाहिए। हाय महाराज, अब मैं आपको युद्ध अभ्यास करवाऊंगा। एक राजा को शत्रु की सेना को चीरते हुए गुजरना पड़ता है, तो चीर कर गुजरने का अभ्यास आवश्यक है महाराज। वो देखिए, वो चला आ रहा है भेड़ों का झुंड। आपको उन्हें शत्रु की सेना समझकर उनको चीरते हुए गुजर जाना है, किंतु पहले मंत्रियों को तेरी फूंक की फूंक पर बता दीजिए। तेरी फूंक की फूंक महाराज। और भाई, क्या हालचाल है? बाल बच्चे राजी? हालचाल? बाल बच्चे, वो क्या होता है? सेनापति, महाराज से बात कर रहे हो या राजपाल से? तमीज से पेश आओ, केवल काम की बात पूछो। मेरा मतलब है महाराज, कि अब आप कौन सा अभ्यास करने जा रहे हैं? मैं अब योद्धा अभ्यास कर रहा हूँ, शत्रुओं को चीर कर गुजर जाने का अभ्यास करने जा रहा हूँ, और मेरे सामने है मोटी भेड़ों का झुंड, किंतु स्वर तो हाथियों का आ रहा है। ये महाराज की चिंघाड़, मेरा मतलब ललकार का स्वर है सेनापति। अब तुम अपनी चोंच बंद करो और महाराज को योद्धा अभ्यास करने दो। महाराज, वो रहा हाथियों का, मेरा मतलब भेड़ों का झुंड। जाओ, भेड़ों के झुंड में से वायु के झोंके के समान दौड़ते हुए गुजर जाइए। अच्छा, ये बात, किंतु बाकेलाल, ये दौड़ना क्या होता है? महाराज, ऐसे तीव्र गति से चलने को दौड़ना कहते हैं। बस अपने चलने की गति बढ़ाते जाइए, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। चिंपो, जो दौड़ में विजयी होगा वही होगा नया गजराज। चिंपो, पहले चिंगार प्रतियोगिता, फिर तैराकी प्रतियोगिता, फिर सूढ़ा लड़ा प्रतियोगिता, और अब दौड़ प्रतियोगिता, किंतु कोई भी विजेता नहीं बन पा रहा। चिंपो, पता नहीं इस बरस हमारा कोई नया राजा बनेगा भी या नहीं। मेरे हाथ में थमे इस यंत्र का नाम है कान फोड़ू, महान वैज्ञानिक कर्ण कटु का बनाया हुआ धांसू यंत्र। इसकी खासियत पता है क्या? नहीं पता ना, कैसे पता होगी, मैंने बताई ही नहीं अब तक।
और बताऊंगा भी नहीं। आखिर मैं मंझा हुआ गुप्तचर जो हूँ, जो अपनी योजना की भनक अपने साए तक को भी नहीं लगने दूंगा। जैसे ही मैं इस यंत्र का उपयोग इस हाथियों के झुंड पर करूंगा, हाथियों में बावलेपन के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। एक ही हुंदिस, मुझे कुछ हो रहा है, कुचलने का दिल कर रहा है, सब कुछ कुचलने का दिल कर रहा है। वाह, सामने एक मोटा चला आ रहा है, सबसे पहले इसे ही कुचलता हूँ। अबे जा फेंकूँ, एक चींटी भी कुचली है क्या तूने? इसे तो रौंदू ही रौंदेगा। नहीं, इसे मैं कुचलूँगा, मेरा नाम कुचलुई है, पहला हक मेरा बनता है। अरे वाह, हाथियों का झुंड तो एकाएक आक्रामक हो उठा है, अब तो मोटा हाथियों के नीचे कुचला ही कुचला। महाराज, और जोर लगा कर दौड़िए, एक भी हाथी, मेरा मतलब है एक भी भेड़ बचनी नहीं चाहिए। ठीक है बाकेलाल, एक भी नहीं बचेगी बाकेलाल। अरे ये क्या, जमीन कांप रहा है, भूकंप आ रहा है, ये भूकंप उस व्यक्ति के दौड़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा चमत्कार तो आज तक हमारी संयुक्त शक्ति भी नहीं कर पाई। उसके दौड़ने की गति से आंधी सी चल पड़ी है, ये आंधी तो हमारे पांव उखाड़ दे रहे हैं। ये आंधी नहीं मानव है, जो तूफान की ताकत से हमारे बीच में से होकर गुजरा है, और उसके धक्कों से हम तिनकों के समान उड़े जा रहे हैं। हैं, ये क्या हो रहा है, मोटे के दौड़ने की गति से आंधी कैसे चल पड़ी, और आंधी भी ऐसी कि हाथियों तक को उछाल फेंका। है ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, कोई मुझे झकझोर दो जरा। गुप्तचर की मांग फौरन कबूल हो गई। कड़ाक, नहीं, मैंने सिर्फ झकझोरने को कहा था। हाथियों का झुंड अब भी उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। चिंपो, हमारे पूर्व गजराज गंजीदत्त के पांव की हड्डी टूट गई है, बाकियों की हालत भी पतली है। मैं प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेता हूँ, मुझे नहीं बनना राजा वाजा। मूर्खो, राजा का निर्णय तो हो गया। क्या, कैसे, कौन है हमारा राजा? वो बलशाली मानो जिसमें है कई गजों की शक्ति। सही कहा, यही हो सकते हैं हमारे गजराज। तो आओ हम अपने नए गजराज का स्वागत करें। और फिर आइए महाराज, खाइए, केले ताजे हैं। बहारो फूल बरसाओ, हमारा गजराज आया है। अरे ये नहीं हो सकता, हाथी तो मोटे की आभगत में लग गए। अरे बाकेलाल आओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, ये पीला खा लो। महाराज, इसे पीला नहीं, केला कहते हैं। ये बंदा मुझे ठीक नहीं जान पड़ रहा है। दूं क्या एक सूंड घुमाकर? नहीं, रहने दे, ये हमारे गजराज का परिचित लगता है। महाराज, संध्या घेराई है, अब हमें वापस महल लौटना होगा, शेष अभ्यास कल। सत्यनाश, मोटा आज भी नहीं मरा। अच्छा महाराज, आते रहना। विदा साथियों। अबे कमबख्तो, कोई मुझे भी तो देखो, मैं तुम्हारा भूतपूर्व गजराज हूँ, कोई मजाक नहीं। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, हमने कुश्ती और दौड़ भी सीख ली, और खाने को भरपेट पीले भी मिल गए। पीले नहीं मोटे, केले। घुर, खा ले बेटा, जितने पीले खाने हैं खा ले। कल तुझे हमेशा हमेशा के लिए पेन ला दिया, तो पीले मेरा मतलब बांके मेरा नाम नहीं। और फिर महल तक पहुँचते पहुँचते संध्या पूरी तरह पसर चुकी थी। ओ, महल में तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई द्वारपाल भी नहीं है। रुक जाओ बाकेलाल, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम लोग? धीरे बोलो बाकेलाल। ये मैं हूँ, महामंत्री धर्म सिंह, चुपचाप हमारे पीछे आओ। अरे महामंत्री जी, आप लोग, बात क्या है, क्या महल में शत्रुओं का हमला हुआ है? हमला तो हुआ है, पर शत्रुओं का नहीं, बल्कि महाराज के सालों का। महाराज के सातों साले आज सुबह सुबह महल में आधमके हैं। वे महारानी के बुलावे पर महाराज से बदला लेने आए हैं। वे महाराज के मूंछ के बाल उखाड़ना चाहते हैं। ओ तेरी, हमने बड़ी मुश्किल से उनको सुबह से रोका हुआ है। अगर महाराज का उनसे सामना हो गया तो भगवान जाने क्या अनर्थ होगा। इसलिए जब तक हम उनको समझा बुझा कर रफा दफा नहीं करते, महाराज को उन सालों से बचकर रहना होगा। बाकेलाल, ये साला क्या होता है? महाराज, साला एक प्रकार का खतरनाक जानवर होता है, जो बीबी नाम की खतरनाक बला के साथ मुफ्त में आता है और जिंदगी भर भंभोरता रहता है, और इंसान उससे बचने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता। अच्छा, हम लोग चलते हैं बाकेलाल, वरना सालों को शक हो सकता है। हाँ, आप लोग निकलिए, फिर मैं सोचता हूँ कि इस नई परिस्थिति का लाभ मैं कैसे उठा सकता हूँ।
दूसरी तरफ भोग लगाइए साले साहब, भोग को आग लगाओ, पहले ये बताओ कि जीजा कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं? वे बस आते ही होंगे, आप भोजन तो शुरू करो। जब तक हम जीजे का दिमाग ठिकाने नहीं लगा देंगे, एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। हमने महाराज को तेरी फूंक कर दिया है, साले साहब आप भोग लगाइए। आपका भोजन समाप्त होने से पहले महाराज आ जाएंगे। खान पान मंत्री ठीक कह रहे हैं भैया, उस मोटे की वजह से आप लोग क्यों भूखे रहो, और मोटा जाएगा कहाँ, देर सवेर तो उसे वापस आना ही है। ठीक है जीजी, तुम कहती हो तो हम खा लेते हैं, वरना हम कोई खाने थोड़े ही ना आए थे। और फिर सातों साले भोजन पर ऐसे टूट पड़े मानो जन्म जन्म से भूखे हो। हाय मेरे प्यारे दुलारे भैया, भुक्कड़ साले, वाह मज़ा आ गया, यम यम, सचमुच जीजी भोजन अति स्वादिष्ट था। कटहल की ऐसी सब्जी तो हमने कभी नहीं खाई, कहाँ से मंगवाया ऐसा स्वादिष्ट कटहल? ओ ये कटहल तो बाकेलाल जी लाए थे वन से। ओए मुझे कुछ हो रहा है, मुझे भी यार, खोपड़ी में रंग बिरंगे सितारे नाच रहे हैं। ओ क्या खिला दिया तूने, पूरा शरीर थरथरा रहा है। हाय दैया क्या खिलवा दिया तुमने मेरे मासूम भाइयों को। मुझे कुछ नहीं मालूम रानी जी, कटहल तो बाकेलाल ही लाया था। ये तो राक्षस में बदल गए। खान पान मंत्री जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। भागो भागो, महाराज के साले राक्षस में बदल गए, तो मेरे साथ ही रहना दासी प्रभालता, वरना तुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चे को क्या जवाब दूंगा। मगर मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, हमारी शादी के बाद तो होंगे ना। महल में हड़कंप मच गया। मुझे पहचानो भाइयों, मैं तुम्हारी बहन स्वर्णलता हूँ। जाहिल औरत, हम तेरे भाई नहीं बल्कि राक्षस हैं राक्षस। रानी जी जो बोलूँ कूट कूट के बोलूँ, मैं बोलूँ चुपचाप निकल लो। हमारा नाम है सतपुड़ा, यानी कि पूरे साथ, इक्का दुक्का टिक्का चौका पक्का छक्का और सटका। हमारे आतंक से सारा वन क्षेत्र थर्राता था, इसलिए लोगों ने वन का नाम बदलकर सतपुड़ा के घने जंगल रख दिया। मगर एक दिन हम लोग ऋषि उंगली करताचार्य के हत्थे चढ़ गए, और उन्होंने हमें कटहल का बीज बनाकर कटहल के अंदर डाल दिया, और ये शर्त रख दी कि हमारी मुक्ति तभी होगी जब कटहल गिरने से किसी की याददाश्त जाएगी। और बाकेलाल की कृपा से कटहल तुम्हारे मुटल्ले पति पर गिरने के बाद हमारी मुक्ति संभव हो पाई। इसका मतलब महाराज की याददाश्त सचमुच चली गई थी, और नहीं तो क्या, हम ऐसे ही टपक गए। मगर तुम लोगों ने मेरे भाइयों के शरीर पर क्यों कब्जा किया, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मोढ़मती रानी, हम तो श्राप से बीज बन गए थे, अब हमको वापस अपना रूप पाने के लिए किसी धारक की तो जरूरत होगी ना। और वे धारक हैं तेरे भाई, जिन्होंने कटहल ठूंस कर हमें निमंत्रण दिया है। अपने भाइयों की चिंता मत कर, हम अंदर ही अंदर उन्हें खाकर खोखला कर देंगे, और 15-20 घंटों में उनके प्राण निकल जाएंगे। नहीं अबे चुप, यहाँ कोई सास बहू की नाटिका चल रही है क्या? चुपचाप हमें अपने पति के पास ले चलो। पति के पास? मगर क्यों? क्योंकि श्राप के अनुसार जिसके कारण हमारी मुक्ति हुई है, उसे हमने दो प्रहर के अंदर नहीं मारा तो हम खुद भस्म हो जाएंगे। यानी तुम मेरे पति को मार दोगे? नहीं तो क्या, भरी जवानी में भस्म होकर हम अपनी ऐसी तैसी करवा लें? अब हमें लेकर चुपचाप चलती है या टेंटुआ दबा दूँ तेरा? नहीं, मेरे रहते तुम मेरे मोटू का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरे मुच्छड़ को मारने से पहले तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। सोच समझ कर बोलो रानी, ये राक्षस हैं, जो कह रही है ये कर भी गुजरेंगे। एक मर्द के लिए अपनी लाश गिरवाओगी क्या तुम? ओह तो क्या बोलूँ, तुम कुछ ना बोलो, मैं बोलती हूँ। राक्षस जी, हमें नहीं पता कि इसका मोटा बलमा कहाँ है, ऐसा करते हैं कि हम उनको ढूंढने जाते हैं, हमें जैसे वो दिखेगा हम सीटी बजाकर आपको बता देंगे। उत्तम विचार है, तुम काफ़ी समझदार लगती हो, तनिक इधर आना। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके हम लास्ट पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।